राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिष समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे राहु जब कुंडली में दूसरे घर में होता है, सेकंड हाउस में, तो कैसा फल देता है। राहु इन सेकंड हाउस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। दूसरा भाव को अगर हम समझें तो दूसरा भाव होता है आपकी सेविंग्स का, धन भाव होता है ये, जो इकट्ठा किया हुआ आपका धन है एकुमुलेटेड, वो यहाँ से देखा जाता है। वो अब चाहे गहनों के रूप में हो, ज्वेलरी या सोना हो, गोल्ड, वो सब यहाँ से जो आपका एकुमुलेटेड एसेट्स हैं दूसरे घर से देखे जाते हैं। इसके अलावा सेकंड हाउस होता है आपके वोकल कॉर्ड्स का, स्पीच यानी कि बोलने की ताकत, कैसा बोलते हैं आप, कड़वा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन, ये दूसरे भाव से देखा जाता है। थायराइड ग्लैंड भी दूसरे भाव से देखी जाती है। इसके अलावा जो आपकी बक्कल कैविटी है यानी कि आपका मुंह है, जीभ है, दांत हैं, ये भी सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। तो फूड इनटेक यहाँ से देखा जाता है, कैसा भोजन लेते हैं आप, कैसा नरिशमेंट आपको मिल रहा है। और इसके अलावा जो आपका फैमिली एनवायरनमेंट है वो कैसा है, पारिवारिक माहौल आपके परिवार को भी रिप्रेजेंट करता है। पारिवारिक जो वातावरण है वो भी सेकेंड हाउस से देखे जाता है। पारिवारिक आपका इतिहास, लोग आपके परिवार के बारे में कैसा सोचते हैं, ये सेकंड हाउस से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि जूठा है, चालाक है, बुद्धिमान भी है, अपनी तरक्की चाहने वाला है किसी भी कीमत पर, कैसे भी रास्ते को अपना कर। ऐसा ग्रह जब सेकंड हाउस में बैठता है तो कैसा फल देगा, उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर राहु आपको कड़वा बोलने वाला बना सकता है, झूठ बोलने वाला बना सकता है, मतलब कनिंग होगी आपकी जो वाणी होगी, चालाकी से भरी हुई, और ऐसा मतलब कि हमेशा आलोचना करने वाला, क्रिटिसाइजर जो है स्वभाव में, ये राहु आपके भर देगा। आलोचना करते हुए मिलेंगे दूसरे घर में जब राहु होता है। तो दूसरा भावों का स्वामी अगर, जिसको द्वितेश कहते हैं, निर्बल हो, पापाक्रांत हो, तो बोलने में तकलीफ़ हो सकती है, यानी कि हकलाहट की समस्या होती हो सकती है। जो बच्चे थोड़ा लेट बोलते हैं, ऐसी इस तरह की समस्या हो सकती है। अगर इस राहु के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो तो आँखों की रोशनी भी कम हो सकती है, आँखें भी दूसरे भाव से देखी जाती हैं। और राहु यहाँ पर अगर अच्छी राशि में है तो आपको बहुत चतुराई वाली भाषा भाषा देगा, वाक्पटुता देगा, यानी कि इस तरीके की भाषा जिसके कई मतलब हो सकते हैं आपकी कही हुई बात के। इसके अलावा यहाँ जीभ आपकी, भूख, एपेटाइट, फूड इनटेक, भोजन आपका दूसरे घर से देखा जाता है। तो राहु यहाँ बैठकर आपको, राहु एक अनयूजुअल असामान्य ग्रह है, तो जो अनयूजुअल चीज़ें हैं खाने की, नॉन वेज है, सी फूड है, फास्ट फूड है, इनकी तरफ खाने की प्रेरणा दे सकता है, नशे की प्रेरणा भी दे सकता है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सेकंड हाउस का राहु। इसके अलावा धन के लिए यहाँ राहु ऑब्सेसिव होता है, जुनून देता है, तेज़ी से जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, जो बहुत जल्दी धनी बन जाते हैं, वो लोग देखे जा सकते हैं, उनकी कुंडली में सेकंड हाउस का राहु मिलता है। तेज़ी से तरक्की, धन के लिए बहुत बेचैन रहते हैं। अगर दूसरे घर में आपके राहु है और पैसा अगर धीरे धीरे आ रहा है तो ये बहुत बेचैनी देगा, परेशान रहेगा, परेशान करेगा आपको। और राहु यहाँ पर बैठकर सोशल स्टेटस, दिखावा जिसको कहते हैं, शो ऑफ, वो टेंडेंसी आपके अंदर बहुत बढ़ाएगा। अगर आपके बैंक बैलेंस नहीं है, पैसा कम है आपके पास, तब भी राहु अच्छी महंगी गाड़ी, अच्छे महंगा घर, चाहे उसके लिए कर्जा ही लेना पड़े, राहु की पांचवी दृष्टि छठे घर पर जाती है जो कि कर्जों का घर है। अब वो कर्जा, गाड़ी या पैसा, मकान लेने के बाद आप कैसे चुकाएंगे, राहु लेने जब ये लेगा कर्जा तो वो उसका सोचने नहीं देगा उसके बारे में कि कैसे चुकाया जाएगा, चुकेगा भी या नहीं चुकेगा, झगड़ा होगा, क्या होगा, राहु उसके बारे में नहीं सोचने देगा। दिखावे की तरफ सोशल जो स्टेटस है, शो ऑफ है, मान सम्मान के लिए यहाँ का राहु जुनून पैदा करता है, उसके लिए आप अग्रेसिव रहेंगे। अब दूसरे भाव में राहु होगा तो इसकी जो नौवीं दृष्टि है वो दसवें भाव पर जाती है, जो कि आपके मान सम्मान का घर है, कैरियर हाउस भी बोलते हैं। तो सोशल स्टेटस,
फेम, इसके लिए यहाँ का राहु ऑब्सेसिव होता है काफ़ी। आठवें भाव पर भी राहु की दृष्टि जाती है जहाँ पर ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है। तो केतु जब यहाँ पर बैठा है तो गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र की जो ज्ञान होता है उसकी तरफ आपका इंक्लिनेशन हो सकता है, झुकाव हो सकता है। राहु यहाँ पर बैठकर और केतु की जो पोजीशन है आठवें घर में, ये आपको अननोन फियर भी दे सकती है, अज्ञात भय, कल्पना की समस्या, ये सब आपको यहाँ पर ये दे सकती है। खास करके अगर चंद्र और शनि का प्रभाव भी इस दूसरे और आठवें भाव के राहु केतु के एक्सिस पर हो तो उस तरीके की समस्या दे सकता है। 8th हाउस से वसीयत भी देखी जाती है, तो वहाँ के लिए ये राहु अच्छे संकेत देता है। दूसरे का पैसा जो रहता है वो मिल जाता है जनरली राहु जब इस पोजीशन पे होता है, अगर बहुत ज़्यादा दूषित ना हो तो। इसके अलावा 8th हाउस रिसर्च का है, तो अनुसंधान के क्षेत्र में भी राहु की खोजी प्रवृत्ति होती है, उसमें भी ये लाभदायक होता है। अनयूजुअल, असामान्य पारिवारिक माहौल आपको मिल सकता है। आपका जन्म एक ऐसी फैमिली में हो सकता है जिसमें कुछ हट के परंपराएं जो होती हैं, यह परंपरावाद आपकी फैमिली में हो सकता है कुछ हटकर, जैसे ज्योतिषी की ही फैमिली में आप पैदा हो गए, कि आपकी फैमिली में बहुत सारे ज्योतिषी हैं, हीलर्स हैं, आध्यात्मिक हीलर्स हैं या स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, इस तरीके की फैमिली, या लुटेरों की फैमिली में भी पैदा हो सकते हैं, चीटर्स की, मतलब कुछ ना कुछ अनयूजुअल आपके फैमिली में रहेगा। 2nd हाउस में राहु उस तरफ संकेत देता है। आरंभिक शिक्षा आपकी परिवार प्रभावित हो सकती है, क्योंकि अर्ली एजुकेशन 2nd हाउस से भी देखा जाता है, और राहु एक बेचैन ग्रह है तो लेक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड की समस्या भी 2nd हाउस का राहु दे सकता है। ये जो जनरली जो 2nd हाउस में राहु है, तो अगर मित्र राशियों में होगा, यानी कि बुध की राशियाँ, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ राशि है, वृष या तुला राशि है, शुक्र की राशियाँ, वहाँ पर जनरली राहु अच्छा फल देता हुआ पाया जाता है। अदरवाइज शत्रु राशि में 2nd हाउस का राहु परेशान करता है। ये जो सारे फल मैं आपको बता रहा हूँ 2nd हाउस के राहु के, ये अकेले राहु के हैं। अब 2nd हाउस के मालिक की स्थिति यानी दृतेश की स्थिति, और कौन से ग्रह राहु के साथ बैठे हैं दूसरे घर में, या कोई दृष्टि डाल रहा है दूसरे घर पर, उससे ये प्रभाव ऊपर नीचे हो सकते हैं। फाउंडेशन राहु 2nd हाउस के राहु की जो फल की नींव है वो यही रहेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई उपाय आप देखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का पहला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं। आज के लिए बस इतना ही, राम राम।